स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रोज की तरह भरपूर हो भी रहा है हमारे बाजारों में और आज भी होते हुए दिखेगा क्योंकि ढेरों नतीजे आए हैं, काफी सारी खबरें भी हैं और ब्रोकरेज एक्शन भी भरपूर है। आइए जानते हैं इनके बारे में, हमारी रिसर्च टीम है तैयार, देवांशी, वरुण और साथ ही कुशल और आशीष भी। मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कहते हैं? ट्रिगर्स दीप, आप अच्छा देवांशी से पूछ लीजिए। चलिए देवांशी, मॉर्निंग बताएं क्या कह रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग, आज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पे फोकस रहेगा और निफ्टी में श्री सीमेंट और टाटा स्टील इसके नतीजे आने वाले हैं। वायदा बाजार में ईबी फैशन, एल्किम लैब्स, एस्ट्रल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जीएनएफसी, इंटरग्लोब एविएशन और आरईसी, साथ ही सीमेंस के भी नतीजे हैं तो इस पर फोकस करें। कैश मार्केट की लिस्ट काफी लंबी है लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, सीएमएस इन्फोसिस्टम, डीएफएम फूड्स, दालमिया भारत शुगर और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, आईओएल केमिकल्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। स्पार्क है जहां पे आज आपको फोकस करना है। विजया डायग्नोस्टिक्स के भी आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टीवीएस ग्रुप, आज ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आज से लागू हो जाएगी तो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे ओवरऑल ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं उसमें आने वाले समय में। और एशियन ग्रैनिटो इंडिया जहां पे आज बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। चंबल फर्टिलाइजर इंटरिम डिविडेंड करीब 4.5 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया था, आज उसकी एक स्टेट है। और मेरिको भी 6.25 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड है जिसकी एक स्टेट है तो इन दोनों में आपको एडजस्टमेंट्स आते हुए दिखेंगे। स्टॉक इस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। वेदांत फैशंस का आज आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, 8 फरवरी तक की आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 824 से 866 रुपीज है और 3,150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कल एंकर निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है, 945 करोड़ यहां पे जुटाए हैं। और आप देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी, नोमरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे कई बड़े निवेशक इसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। नतीजों पर आते हैं, कल जो पोस्ट मार्केट आए थे, फाइजर फ्लैट नंबर्स हैं एक बार। इस बार आप देखिए जो आय है वो 14% बढ़ती हुई दिखी है लेकिन कामकाजी मुनाफा 195 करोड़ है जो कि पिछले साल 196 करोड़ पे था। मार्जिन्स भी एकदम फ्लैट है, 29% पे आते हुए दिखे हैं 33% से घटकर। और जो मुनाफा है वो 144 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 141 करोड़ से घटकर। ल्यूपिन ओवरऑल टॉपलाइन और जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर है लेकिन मार्जिन इस बार काफी कम आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 3.5% तक बढ़ती हुई दिखी है, इसके साथ ही जो मुनाफा है 545 करोड़ पर बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 9% पे आए हैं, 19% से घटकर। और कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट 50% तक कम हुआ है। एबी कैपिटल के अच्छे नंबर्स हैं, आय ऑलमोस्ट 13.5% तक बढ़ती हुई दिखी है और जो मुनाफा है वो दुगना होता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड नंबर्स काफी बेहतर है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों नतीजों का एक्शन और कई सारी खबरें भी, और नतीजों का एक्शन भरपूर है। देवांशी ने तो हमें बता दिया वायदा कारोबार के कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। वरुण, कैश मार्केट के नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताइए। ओके दीप, तो अब मेरी बारी। और यहाँ पे जुबिलेंट इंडस्ट्री, सबसे पहले इस कंपनी के नतीजे आए और मिले जुले नतीजे देखिए। इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है करीब 88.6% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन पे तगड़ा हिट है, 9.4% से गिर के सीधे 5% के आसपास आए हैं। ये एक दिक्कत की बात है और इसका इम्पैक्ट मुनाफे पे हुआ है जहाँ पे 30% की गिरावट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो उसमें 123% के आसपास का जम देखने मिला है जिसके कारण मार्जिन वीक है। टीबीजेड कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज 23% बढ़े हैं लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है उसमें गिरावट है, 10% से गिर के 10.5% से गिर के इनफैक्ट 5% पे, यानी कि मार्जिन सीधे आधे हो चुके हैं और मुनाफा भी आधा हो चुका है, 40 करोड़ से गिर के 19 करोड़ के आसपास आया है। सिगाची यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, रेवेन्यू करीब 35.5% बढ़े हैं, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, 18.2% से बढ़ के 19.1%, मुनाफा जो है करीब 34% बढ़ा है, 9.5 करोड़ के आसपास आया है। आईजी पेट्रो नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज जो है 7.5% बढ़े हैं, 507 करोड़ के आसपास ही आया है लेकिन मार्जिन में बढ़ोतरी है 20.7% से बढ़कर 22.1%, मुनाफा 14.5% बढ़ा है, 74 करोड़ के आसपास आया है। ईस्टर्न इंडस्ट्रीज यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 43% बढ़े हैं, मार्जिन में लेकिन गिरावट है, 22% से गिर के 17%, मुनाफा जो है 9.5% बढ़ा है, 34.5 करोड़ के आसपास निकल के आया है। इसके अलावा फूड्स एंड इंस घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, 2.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 30 करोड़ का मुनाफा किया है लेकिन एक बात अच्छी है कि मुनाफा के और एबिटा फ्रंट पे भी 20 लाख के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 8.5 करोड़ का मुनाफा किया है, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू 71% बढ़े हैं तो ये कंपनी फिर भी ठीक ठाक और अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंजम्पशन वाली कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं बट दीप इसमें भी ये है ना कि कंजम्पशन वाली कंपनीज के मार्जिन पे हिट है, आईटीसी आप देख लीजिए, बट ये कंपनी अगर घाटे से मुनाफे में आती है तो थोड़ा अच्छा है, कामकाजी तौर पर थोड़ा हिट है बट अदरवाइज हाँ अच्छा। चलिए तो ये है आपके लिए रहे और आईटीसी की बात करिए वरुण ने, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो लेंगे उस पर और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो नतीजों का विश्लेषण होगा। घबराइए मत, आईटीसी को हमने इग्नोर नहीं करा है, वरिंदर जुड़ने वाले हैं और वो आईटीसी के बारे में अपनी राय भी थोड़ी देर में देंगे। पर आइए कुशल भी है हमारे साथ तैयार, कुशल कुछ नतीजे और खबरें आपके पास भी हैं, बताएं इनके बारे में।
गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल। और सबसे पहले एक्सप्लियो सॉल्यूशंस देखिए, नंबर्स मिले जुले हैं यहाँ पर। कंपनी की मार्जिन 14.8% के मुकाबले 14.1% पर आती हुई नजर आई है और कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट 11.6 करोड़ पर स्टेबल है। थॉमस कुक नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई आधार दोनों आधार पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वाई आधार पर नंबर्स आप देखिए 236 करोड़ के मुकाबले इस बारी आय जो है करीबन 748 करोड़ की आती हुई दिखी है और एपिटा घाटा था पिछले साल करीब 74 करोड़ का, उसके मुकाबले 11 करोड़ का यह एपिटा मुनाफा में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है और कंपनी की मार्जिन भी 1.5% पर पॉजिटिव हो गई है और घाटा कंपनी का जो 60 करोड़ का था लगभग पिछले साल, इस बारी केवल 23 करोड़ का घाटा रह गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस गुड नंबर्स, एसेट क्वालिटी हल्की सी लेकिन डाउन होती हुई दिखी है। जहां पर अगर आप मुनाफे की बात करें तो 1.1 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 4.7 टू बी प्रिसाइज यहां पर कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है और कंपनी की एनआईए में भी 53% की बढ़त रही है। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एसेट क्वालिटी 10.2% के मुकाबले अब 10.5% पर आती हुई दिख रही है। रूट मोबाइल यहां पर नंबर इसके लिए इनफैक्ट एक खबर है जहां पर कंपनी ने एमआर मैसेजिंग एफजेडसी में 100% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। 3.8 करोड़ यूरोज में यह अधिग्रहण किया गया है, इंडियन रूपी में 325 करोड़ रुपए का यह कुल अधिग्रहण है। अगले 3 सालों में यह अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। और ऑन मोबाइल ग्लोबल इसको लेकर भी खबर है जहां पर श्रीलंका में पहला मोबाइल क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करने के लिए डायलॉग के साथ करार कर लिया है। तो डेफिनेटली यहां पर इन दोनों खबरों की वजह से रूट मोबाइल और ऑन मोबाइल ग्लोबल पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, रूट मोबाइल ऑन मोबाइल दोनों पर रखिए नजर। एक्विजिशन और नए कारोबार शुरुआत की आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। ये तो रही कुछ और खबरें। देवांशी, आपके पास भी कुछ खबरें और फंड एक्शन भी कल हुआ है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप देखिए मीडिया स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्राई नेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नई टैरिफ डेडलाइन को 1 जून 2022 से बढ़ा दिया है। 1 जून की अब नई डेडलाइन आती हुई दिख रही है और जितने भी सारे चैनल्स हैं वो सब्सक्राइबर की चॉइस पर उनको देने होंगे, तो ये जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कई सारे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हीरो फिनकॉर्प में अपोलो ग्लोबल के मैनेजमेंट करीब $125 मिलियन यानी कि 940 करोड़ के आसपास का निवेश कर सकती है। 9-11% हिस्सा खरीद सकती है इस कंपनी में। हीरो मोटोकॉर्प की इस कंपनी में 40% का स्टेक है, तो आज थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। धानी सर्विसेज जहां पे नोमरा सिंगापुर ने करीब 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, वहीं पे टैमरिंड कैपिटल पीटीई ने 4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। पेनेशिया बायोटेक में सीरम इंस्टीट्यूट ने करीब 3.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, लगभग आधी परसेंट इक्विटी बेची है 278 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते भी रिएक्शन आ सकते हैं। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे नजर। और कल धानी सर्विसेज पर हम बात भी कर रहे थे, 13-14% का उछाल इस स्टॉक में आते हुए दिखा, तो बड़ा एक्शन नोमुरा की तरफ से आपने इस कंपनी में देखा है। पर